शिवपुरी के करेरा में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पहले पुत्र फिर मुस्लिम महिलाओं को बेरहमी से मारा। पुलिस का अपराधियों को जरा भी डर नहीं है। मामला करेरा थाना अंतर्गत का है, जिधर पीड़ित महिला एवं उनके पुत्र ने जान का खतरा होने की आशंका पर शिवपुरी एसपी राजेश सिंह चंदेल को आज एसपी मुख्यालय पर आवेदन दिया है। मीडिया से चर्चा करते हुए पीड़ित महिला एवं उनके पुत्र का कहना है कि आरोपी गण शिवम खटीक, गोलू खटीक, सोमवती खटीक, विशाल खटीक द्वारा शक के आधार पर मेरे पुत्र पर पूर्व में जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद कुछ समय बीत जाने के बाद पीड़ित महिला के साथ रास्ता रोककर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसकी सूचना उसने संबंधित थाना करेरा में की, परंतु पुलिस द्वारा उसकी समस्या ठीक प्रकार से सुनी नहीं गई। सुनिए क्या कुछ कहना है पीड़ित महिला सलमा का। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आपका नाम? सलमा। कहाँ से आए आप? करेरा से। क्यों? हमें पहले लड़की पे हमला करा, फिर दोबारा उन्होंने हम पे हमला करा, और हमला करने के बाद जो बोल रहे हैं कि तुझे जान से ख़त्म कर देंगे। अब तुमने क्या कहती है? कौन लोग हैं वो? वो हैं राम बाबू। पूरा नाम? गोलू खटीक, शिवम खटीक और सोमवती खटीक और विकास खटीक, विशाल खटीक। करेरा में आपने आवेदन दिया? दिया था, कोई सुनवाई नहीं, उधर दब गई। तो जहाँ पे आज एसपी साहब ने क्या कहा? ये कहा कि करेरा जाइए, करेरा में बात कर ली, कोई सुनवाई नहीं है। और मेरी जानों खतरा होता है, मेरे बच्चों को भी खतरा होता है, इसके जिम्मेवार कर्जे ही रहे। कौन लोग? पुलिस वाले और राम बाबू, शिवम, गोलू, विकास, विशाल, सोमवती। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।